नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल उमेश भारद्वाज। दोस्तों, मैंने आज आपको प्रोवाइड करा है DSSB स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है 22 जुलाई में, उसका एक सॉल्यूशन और एक बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन, जिसमें बस आप अपने आंसर्स मैच कीजिए और वेरीफाई कीजिए, और जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देकर आए हैं वो बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं कि उनका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है या नहीं है। अगर किसी में भी डाउट है तो आप अपने कमेंट्स, जो हमारा कमेंट्स बॉक्स है यूट्यूब में, उसमें आप अपना फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशंस बिल्कुल एक्यूरेट है हमारी तरफ से, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश का भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा जल्दी से। बाकी पार्ट वन का मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आपको वीडियो साइमल्टेनियसली मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 191 है एक्चुअली इंग्लिश का है। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, हमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, कि यहाँ पर अंडरलाइन किया गया था ईच को। सो ईच एक कैसा प्रोनाउन है यहाँ पर हमें बताना था। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कई बार लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्लिक करते हैं, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों का रिलेट किया गया है प्राइज के साथ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ पर बोला गया है ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज मतलब कि हर एक बच्चे को यहाँ पर प्राइज दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। हर कैंडिडेट को यहाँ पर ईच के द्वारा सेपरेट करके दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ईच कैसा प्रोनाउन हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट से सेपरेट कर रहे हैं हम किसके द्वारा? ईच के द्वारा, ठीक है जी। ईच कैसा प्रोनाउन होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 92, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, हमें बताना है जो हु है वो कैसा प्रोनाउन होगा। द मैन हु, अब यहां पर द मैन को रिलेट किया गया है कैसे, कि वो एक ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, वो एक ऑनेस्ट और एक ट्रस्टेड बंदा है, लेकिन इन दोनों के बीच कम्युनिकेट कराने वाला कौन है? हु से हमने डिनोट किया है कि द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, ठीक है जी। सो हु कैसा एक वर्ड प्रोनाउन हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये मैन को ऑनेस्ट और ट्रस्टेड से रिलेट करा रहा है, सो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, सी कांट स्विम डैश, ये एक क्वेश्चन टैग का आंसर है, आप देख भी सकते हैं। सूटेबल क्वेश्चन टैग हमें बताना है, और क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि अगर आपका मेन क्लोज, यानी कि जो स्टार्टिंग में जैसे आप देख पा रहे हैं सी कांट स्विम, अगर ये आपको नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है, सो आगे सेकेंड क्लोज जो आएगा वो पॉजिटिव के साथ आएगा, और शी है तो शी ही रहेगा। सी, शी कांट स्विम मतलब कोई बात कह रहा है कि वह तैर नहीं सकती, वो उसे तैरना नहीं आता। तो सामने वाला वही कैंडिडेट क्या बोलता है, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या मतलब कैन शी, क्या वो तैर सकती है, ऐसा पूछा जाता है। सो आंसर क्या होगा? कैन शी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, आनंद लाइक्स ऑरेंज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें दिया हुआ है, आनंद लाइक्स ऑरेंजेस, ठीक है जी। अब हमें पता है कि आनंद है यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है, और यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन टैग ही बताना है। सो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन, अब ये देखिए किसी ने आंसर किया हुआ है इसमें, जो पेपर देकर आया होगा डोंट ही, बट ये नहीं होगा। डोंट एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल मतलब वर्ड है, वर्ब है। सो डू नहीं आएगा, सो उसको हम सिंगुलर बनाएंगे, क्योंकि आनंद लाइक्स, लाइक्स भी यहाँ पर कैसा है सिंगुलर, सो सामने भी कैसे आने चाहिए सिंगुलर, यानी कि डजंट ही इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है जी। आनंद लाइक्स ऑरेंजेस, आनंद को संतरे पसंद है, डजंट ही, क्या उसे पसंद नहीं है, हम ऐसे पूछते हैं ना, क्या उसे पसंद नहीं है, ठीक है। सो यही कैसे पता चलता है इसका, डजंट ही से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। 95, द प्रिंस सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग, यहाँ पर देखिएगा जो चेंजेस होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, उसमें क्या है कि यहाँ पे हियर जो है वो देयर में चेंज होगा, दिस दैट में चेंज होगा, और गिव गिव में चेंज होगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, द प्रिंस सेड दैट इट गिव, गिव गिव में हो गया ना चेंज, हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर, देयर किसका ऊपर क्या था, हियर, हियर को कहाँ चेंज किया, देयर में, और दिस को चेंज किया दैट में, और देयर दैट इवनिंग, बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96,
द पुलिस मैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। सो ये हमें एक डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, हमें बताना है इनडायरेक्ट में क्या, कोई सामने वाला बताने लगेगा तो कैसे बताएगा। द पुलिस मैन इंक्वायर, क्योंकि पुलिस मैन तो इंक्वायरी करता है, ठीक है, वो पूछेगा थोड़ी ना, वो इंक्वायरी करेगा। पुलिस मैन इंक्वायर वेयर वी वर गोइंग, हम कहाँ जा रहे थे। यानी कि ये स्टेटमेंट जो ऊपर बोली गई ये पहले कहीं हो चुकी है, और वो जिस बंदे से पूछा गया वो हमसे या आपसे आके बताने लगे, वो कैसे बताएगा कि भैया पुलिसमैन मिला था, वो इंक्वायरी कर रहा था कि हम कहाँ गए थे, कुछ इसी लैंग्वेज में। सो वही हम बता रहे हैं कि द पुलिसमैन इंक्वायर वेयर वी वर गोइंग, हम कहाँ जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ओके, ये पेज शायद दूसरा आया है हमारे सामने, बट कोई बात नहीं, ठीक है, इसके जो पहले के क्वेश्चंस थे वो भी हम साथ साथ देखेंगे। 97, ऑब्स्टेकल का मतलब रुकावट होता है, सो इसमें ऑप्शन है। स्टबन का मतलब क्या होता है, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट होता है, बिल्कुल ठीक आंसर होगा, यही होगा। पेकुलर और कंसाइज का मतलब क्लियर होता है, शार्प होता है, ये बिल्कुल गलत होंगे, सी और डी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हिंड्रेंस बिल्कुल ठीक होगा। 98, स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है मानहानि, और डिफेमेशन का मतलब भी होता है मानहानि। डिफेम करना मतलब डिफेम, यानी कि फेमस था उसे डिफेम कर दिया गया, उसको फेमस था, जो फेमस था वो फेमस नहीं रहा, डिफेम हो गया, यानी कि मानहानि होता है ना, मानहानि का दावा कर देते हैं अगर किसी के पर्सनल बाद में कुछ बोल देते हैं, उसकी वजह से किसी को डिफेम होना पड़ जाता है, तो वो क्या करता है, मानहानि का दावा कर देता है, ठीक है। सो वही मानहानि है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है वैक्स, वैक्स का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेन, वेन का मतलब होता है डिक्रीज होना, स्लिप नहीं होगा, नैरो नहीं होगा, लूज नहीं होगा, बहुत सिंपल वर्ड है ये, तो आपको वैसे ही क्लिक कर देना चाहिए था अगर किसी को नहीं भी पता था तो। वैक्स का मतलब बढ़ना, वेन का मतलब डिक्रीज होना। 100, किंडल, किंडल का मतलब होता है जागृत होना। डियर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किंडल का मतलब आग लगाना नहीं है, किंडल का मतलब आग लगाना नहीं है, यहाँ पर लाइटन अप, लाइटन अप, अब जिसे कहते हैं कि जैसे बोध, ठीक है, भगवान बुद्ध वो क्या थे, किंडल थे, उनको जागृति हुई, उन्होंने वेकअप किया, वोकअप, लाइटन अप, लाइटन अप हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को वेकअप किया, यानी कि किंडल किया उन्होंने। आपका एक स्कॉलर लेवल इंक्रीज होना, यानी कि जागृत होना, आप जागरूक होना, यहाँ पर किंडल का मतलब आग लगाने से नहीं है, इसका आंसर एक्सटिंग्विश नहीं होगा अगर आप इसका एंटोनिम लगाने लगेंगे तो। एक्सटिंग्विश वहाँ का मतलब होता है कहीं आग लगी है और आप उसको बुझा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये किंडल मतलब जागृत होना, ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर के से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब इग्नोरेंस इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा, ठीक है जी। आई होप आप ये चीज़ समझ पाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा, कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए थे, हमने स्टार्ट किया था 91 से और हमारे पास आने चाहिए, जी हाँ, ठीक है, ये देखिएगा, ये स्टार्टिंग का पेज था, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश जहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बट हमारे पास पहले वो पेज ओपन हो गया, बट कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इट इज़ रॉन्ग टू शो एनिमोसिटी डैश वंस सुपीरियर। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, गड़बड़ी क्या करते हैं लोग कि एनिमोसिटी के साथ या तो टुवर्ड आता है या फिर अगेंस्ट आता है, इन दोनों वर्ड्स में से आता है, ठीक है। एनिमोसिटी का मतलब होता है अपने आप में घृणा पैदा करना, मतलब किसी के साथ घृणात्मक रिलेशन होना या फिर बिहेव करना, कुछ ऐसा एनिमोसिटी का मतलब होता है। सो वंस सुपीरियर, किसी के साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है या क्या होगा, किसी के अगेंस्ट दिखाया जा रहा है, आप रिवोल्ट करते हो, रिवोल्ट यानी कि विद्रोह करते हो, किसी के खिलाफ करते हो ना, ठीक है। सो आप बोला जाता है क्यों करते हो विद्रोह, क्योंकि आपको उससे घृणा होती है, आपको वो चीज़ गलत लगती है, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगेंस्ट आएगा, टू को देखकर ये मत समझिएगा कि यहाँ पर टू आंसर आ जाएगा, मैंने करके भी बताया है कि यहाँ पर टू नहीं आएगा, या तो आएगा टुवर्ड्स या फिर आएगा अगेंस्ट, और ये सेंटेंस की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अगेंस्ट यहाँ पर आएगा क्योंकि एनिमोसिटी की बात हो रही है और अपने सुपीरियर कैंडिडेट से घृणा की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 82, क्लाइव एंटर इनटू अ कॉम्पैक्ट डैश मिर्जाफर। जो रॉबर्ट क्लाइव था, आपने ये हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव जो था उन्होंने एक कम्पैक्ट किया मिर्जाफर के साथ, ठीक है जी, मिर्जाफर के साथ उन्होंने कम्पैक्ट किया था। कम्पैक्ट यहाँ पर बोला जाए तो फॉर्मल एग्रीमेंट हम कह सकते हैं। सो देखिए कम्पैक्ट एग्रीमेंट किसी के साथ होता है, ठीक है। अब अगर हमारे प्रधानमंत्री अगर दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं ब्रिक्स के सम्मेलन में हाल फिलहाल अभी भी,
ठीक है। सो वहाँ पर अगर कुछ पैक्ट होते हैं, कुछ MOU साइन होते हैं, तो वो एग्रीमेंट, तो वो कॉम्पैक्ट होते हैं किसी के साथ होते हैं, ठीक है जी। सो उसे हम एक फॉर्मल एग्रीमेंट बोलते हैं, और वो विद, ठीक है, क्या बोलेंगे, MOU विद चाइना, MOU विद साउथ अफ्रीका, MOU विद फ्रांस, इंडिया साइन आ MOU विद फ्रांस, इंडिया साइन आ MOU विद USA, ठीक है। सो विद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कॉम्पैक्ट का मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड भी आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ब्राह्मिन हैव ग्रेट एवर्जन डैश एनिमल फूड्स। एवर्जन के साथ हमेशा टू लगता है, एवर्जन टू सम फूड, बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। अवर्जन का मतलब होता है डिजायर टू अवॉइड, किसी चीज को अवॉइड करने की डिजायर होना। क्वेश्चन नंबर 84, आई डैश टू अ पार्टी टुमारो नाइट। फ्रेंड्स देखिए, अब क्या वो होता है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या वर्डिंग यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू पार्टी टू नाइट, ठीक है, आई एम गोइंग टू पार्टी, आई एम गोइंग टू स्विमिंग, आई एम कुछ यही वर्ड्स हम बोल ले जाते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट इन इवनिंग, ठीक है, कुछ यही वर्डिंग्स हम लिटरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, और मोस्टली हम यही क्लिक करके आ जाते हैं, आई एम गोइंग टू पार्टी टुमारो नाइट, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर बात सेम डे की या फिर थोड़ी ही देर बाद होने वाली हो, थोड़ी ही देर बाद होने वाली हो, जैसे ही आप बात कह रहे हो, और विद इन आवर, विद इन 2 आवर्स, या सेम डे, एक सेम स्नैरियो में वो चीज़ होने वाली हो प्रोसेसिंग साथ साथ, तो आप कह सकते हो दैट आई एम गोइंग टू पार्टी टू नाइट, आई एम गोइंग टू पार्टी। बट यहाँ पर आपने देखा वर्ड लिखा हुआ है टुमारो, मैंने अंडरलाइन भी किया है, आई डैश टू आ पार्टी टुमारो नाइट, यानी कि हम आज बात कर रहे हैं आने वाले कल की रात के बारे में। अभी तो भैया आज की रात भी नहीं खत्म हुई है, ठीक है, आज की बात भी नहीं खत्म हुई, और हम आने वाले कल की रात की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फ्यूचर टेंस आएगा, आई विल गो टू पार्टी टुमारो नाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा। 85, मैनी एक्सीडेंट्स डैश बाई डेंजरस ड्राइविंग। सो ये हमें पैसिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल बोल बात बोली जा रही है। सो आर कोज्ड मैनी एक्सीडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स की बात हो गई, आर आ गया, और कोज्ड बाई डेंजरस ड्राइविंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, वेन वी गॉट होम लास्ट नाइट वी फाउंड दैट समबडी डैश, क्योंकि देखिए वेन वी गॉट होम लास्ट नाइट, अब बात आ गई लास्ट नाइट की, कि जब हम घर में घुसे पिछली रात को, यानी कि हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, ठीक है, और कब की, जब हम घर में घुसे थे, और उसके बाद हमने पाया था दैट समबडी डैश इन टू द फ्लैट, इसका मतलब बात पास्ट टेंस की ही आनी चाहिए, और वो क्या शो हो रही हैड ब्रोकन, ठीक है। वेन वी गॉट होम लास्ट नाइट, जब हम घर में घुसे पिछली रात को, वी फाउंड, हमने पाया दैट समबडी, कि कोई हैड ब्रोकन इन टू द फ्लैट, पहले ही फ्लैट में घुस चुका था, और वो बात हम किसी को आज बता रहे हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, हमें बताना है ग्रामेटिकली कौन से रॉन्ग होंगे। आई थिंक यू आर रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। ही हैज अ न्यू सेलफोन, बिल्कुल ठीक है। दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, जी हाँ ये गलत है, क्योंकि टेस्ट के साथ कभी भी ING नहीं आता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ें बहुत काम की हैं। क्वेश्चन नंबर 88, गोइंग अप द हिल एंड ओल्ड टेम्पल वॉज सीन। देखिए यहाँ पर गोइंग अप द हिल अपने एंड ओल्ड टेम्पल, इसका मतलब पता है क्या हो गया, कि टेम्पल ही खुद चल रहा है, टेम्पल थोड़ी चल पाएगा यार, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मीनिंग क्लियर नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ये हम ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहला ही गलत मिल गया आपको। 86, करेक्ट एक्सप्रेशन हमें बताना है, हिज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड दैट ही वुड डैश विद अ फाइन। अब ये क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है हमारी, गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट अंडर, गेट एट, ठीक है। गेट ऑफ का मतलब होता है टू लिबरेट, बचना, यानी कि फ्री हो जाना। हिज फ्रेंड एक्सपेक्टेड दैट ही वुड, उसका फ्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बच जाएगा फाइन से, यानी कि टू लिबरेट, वो फ्री हो जाएगा फाइन से। गेट ऑफ इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। गेट अंडर का मतलब होता है अंडर कंट्रोल, ठीक है। गेट ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना, गेट एट का ध्यान नहीं है, ठीक है। 90, यू मस्ट डैश योर एक्सपेंडिचर ऑन फूड, इसमें क्या आएगा, कट आउट, कट ऑफ, कट डाउन, कट अप। यू मस्ट डैश कट डाउन, कट डाउन का मतलब टू रिड्यूस, कटौती करना। यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर ऑन फूड, आपको अपने खाने
कि एक्सपेंडिचर में कटौती करनी चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है जी, 90 तक ये हो गए, और 99 से आगे के ये हम देख ही चुके हैं, और आशा करता हूँ कि आपको एक एक्यूरेट आंसर देखने को मिले होंगे और आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम जज कर पाएंगे कि हाँ आपने कितने ठीक हुए कितने गलत हुए। ठीक है, आपको अगर सोल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहे, और आने वाले एग्ज़ाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं PGT, TGT, PRT, जिस चीज़ है, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश की वोकेबलरी मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर, सो जैसे भी सोल्यूशंस कराने का मौका मिलेगा वो भी मैं आपको करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।